डिजी लॉकर एक सरकारी लॉकर है जो हर भारतीय को दिया गया है 1 GB फ्री स्पेस के साथ। इसमें आप सभी तरह के डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप इसमें से निकाल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल अगर आपको डिजी लॉकर में रखा गया है तो आपको ओरिजिनल अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप उसको अपने डिजी लॉकर में से निकाल के दिखा सकते हैं और ये पूरी तरह वैलिड है। अगर आपको पुलिस कहीं पकड़ लेती है तो आप डिजी लॉकर में से रखे हुए ड्राइविंग लाइसेंस को उसको निकाल के दिखा सकते हैं और ये पूरी तरह वैलिड है और आपका चलान भी नहीं कटेगी। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल कैसे करेंगे और आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको डिजी लॉकर में कैसे रखेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जहां से आप इसको बहुत ही इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली इंस्टॉल वाले पे क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने में इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ से आप ओपन वाले पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि आप डिजी लॉकर में क्या सब रख सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस आप रख सकते हैं डिजी लॉकर में, यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ SSC मार्कशीट रख सकते हैं, यहाँ पे SSC मार्कशीट भी रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए राशन कार्ड, यहाँ पर देखिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इस बार यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पर और भी यार नीचे ऑप्शन है, इतने सारे आप जो है डिजी लॉकर में रख सकते हैं। तो यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर देख रहे हैं डिजी लॉकर इशू डॉक्यूमेंट आर लीगली एज पर विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। मतलब बोला जा रहा है कि डिजी लॉकर में जो भी आप इशू डॉक्यूमेंट में जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो जो है आपका ओरिजिनल रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं एक्ट भी आपको 2000 शो कर रहा है। तो आप इस पर अकाउंट बना रखे हैं तो यहाँ पर साइन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप न्यू यूजर है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आपको यहाँ से एक अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर आप डालेंगे आधार पर जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर फुल नाम डालना है। इसमें से आपको डेट चूज कर लेना, जो भी डेट है तो आपको यहाँ पे डेट चूज कर लेना है। मंथ आप इसमें से चूज कर लेंगे जो भी, और यहाँ पे आपको ईयर चूज कर लेंगे कौन सा ईस्वी में मतलब आप पैदा हुए थे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, यहाँ पे 6 DG का आपको पिन सेट कर लेना है ताकि आपको बार बार जो लॉगिन होइएगा तो उसी पर आपको पिन डालिएगा तो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आई डालना है, यहाँ पे एक आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ देखिए मैं डालते ही यहाँ पे सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपका डिजी लॉकर यहाँ पे ओके हो चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, साइन इन करना है। तो यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पिन जो सेट किए थे वो पिन डाल के यहाँ पर आपको साइन इन हो लेना है। यहाँ देखिए आपके नंबर पर OTP आया हुआ है, इस तरीके से आपको OTP डाल देना है और इस तरीके से यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको सबमिट यहाँ पे हो चुका है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आप जो है डिजी लॉकर में यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुके हैं और 3 डॉट पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपका इशू डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर इशू डॉक्यूमेंट में आपको वही डॉक्यूमेंट रहेगा जो आपको आधार कार्ड से लिंक रहेगा, तो वो आपको यहाँ इशू डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको सारे का सारा यहाँ पर आपको शो कर देगा। इसके बाद यहाँ देखिए आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड को आपको इसको लिंक कर लीजिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपके आधार नंबर पर एक OTP आएगा, वही OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे देखिए मेरे केस में यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ और इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ देखिए OTP डालते ही यहाँ पे आपका लिंक हो चुका है। आधार कार्ड में जो भी आपको जो लिंक रहेगा वो सारे के सारे आपके इसके नीचे यहाँ पे आपका शो कर देगा। तो आधार कार्ड में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इसको व्यू देख सकते हैं, तो व्यू वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका आधार कार्ड ये इस तरीके से आ जाता है। इस तरीके से हम बैक आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश और इसका डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं।
इस तरीके से यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसी डॉक्यूमेंट में जो भी आपको यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक रहेगा वो सारा का सारा आपको इसमें यहाँ पे आपको डिजी लॉकर में यहाँ पे नीचे इसका शो हो जाएगा। जैसे आपके आधार कार्ड के साथ ड्राइविंग लाइसेंस है या RC कॉपी है या पैन कार्ड लिंक है तो वो सारे के सारे इसके नीचे वो आपके आ जाएंगे। इसी तरीके से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपलोड ऑप्शन मिल जाता है, अपलोड वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी फाइल फोल्डर आप इसको अपलोड इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे इस पर और यहाँ से फाइल पे जाएंगे। इस तरीके से आप जहाँ भी रख रखे हैं फोल्डर उसको आप फोल्डर को इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा फोल्डर में है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं यहाँ पर टेलीग्राम में है और यहाँ इमेज में है तो मैं यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अपलोड वाले पर मैं क्लिक करूँगा तो वो फोटो मेरा यहाँ पर आके अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा यहाँ फाइल आ चुका है, इसको थ्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन विथ पर क्लिक करके आप इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए गैलरी वगैरह आ चुका है, इसमें गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका ये फ़ोटो मैं यहाँ पर रख रखा हूँ तो ये फ़ोटो आपका यहाँ पर आ चुका है। सो इस तरीके से आप कोई भी फ़ोटो को आप जो है यहाँ पर अपलोड वाले में क्लिक करके यहाँ से जाएंगे, थ्री डॉट में अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ फाइल पे आपको जहाँ भी रख रखे हैं वहाँ से आपको इसमें लाके सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, देख आएंगे इसको। यहाँ थ्री डॉट पर जाएंगे और यहाँ आपको मिल जाता है प्रोफाइल, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका डिटेल पूरा आ जाता है या इसके बाद यहाँ पर यूज डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाता है। इसको अपडेट भी कर सकते हैं या आप यहाँ पर नॉमिनी डिटेल है इसको आप किसी को नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चूज करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड डालेंगे और उसके साथ क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, से उसके साथ क्या रिलेशन है वो आपको इसमें से डाल देना है और यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका नॉमिनी भी ऐड हो जाए। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्कैन वार कोड मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी जो है डॉक्यूमेंट को उसको स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। डिजी लॉकर ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी देता है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को पता लगा सकते हैं। अगर किसी का डॉक्यूमेंट आप यहाँ से स्कैन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो ये यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाता है। इसके बाद इसमें से अगर आपको किसी को अपने प्रोफाइल में ऐड करना है, जैसे आपको इनकम टैक्स मतलब आपको जो पैन कार्ड अगर इसमें ऐड करना है तो इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपना पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो पैन पे नाम है वो डाल के यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए गेट वाले पे क्लिक करते यहाँ पे आपका जो पेन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पेन भी आ चुका है, पेन कार्ड भी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पेन कार्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको व्यू करके यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पेन कार्ड आ चुका है डिजी लॉकर में। तो इस तरीके से आप अपना पेन कार्ड भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप उसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल चुका है, डाउनलोड XML, डाउनलोड JSNL और यहाँ पे इसका डिटेल भी देख सकते हैं। इसको आप इस यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैक जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से आपको जो भी ऐड करना है आप इसमें से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे आपका 10 क्लास का 12 क्लास का सर्टिफिकेट वगैरह हो जाता है तो वह भी आप यहाँ से बहुत ही आसानी से आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ से आप स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है आप यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आधार कार्ड हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या आपका जो भी है इसमें से सर्टिफिकेट वगैरह हो जाता है उसको रख सकते हैं। यहाँ एजुकेशन से संबंधित कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 10 क्लास का सर्टिफिकेट है, 12 क्लास का सर्टिफिकेट है, इसके बाद यहाँ पे मार्कशीट वगैरह है। तो यहाँ पे आप बहुत ही इजीली आप इसको रख सकते हैं। जैसे अगर मार्कशीट रखना चाहते हैं 10 क्लास का तो यहाँ 10 क्लास मार्कशीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईयर डालेंगे कि कब आप पास हुए थे और यहाँ पर रोल नंबर डाल के यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं अभी आपको पैन कार्ड डाउनलोड करके इसमें दिखाया हूँ कैसे आपको इसमें ऐड होता है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे रोल ईयर डालेंगे कब ये पास हुए थे और यहाँ पे जो है रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसको आप ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिसको आपको कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मांगता है तो आप बहुत ही आसानी से डिजी लॉकर को ओपन करके उसको आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको होम में यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको बता दिया कि ऐड यहाँ पर जो भी
आधार कार्ड से लिंक रहेगा, वो आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ अपलोड वाले पर क्लिक करके यहाँ फाइल चूज करके इसमें अपलोड कर लेंगे। जैसे मैं एक और आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, तो यहाँ अपलोड वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से आपको जो भी फाइल में होगा उस तरीके से यहाँ पर, जैसे मेरे यहाँ पे DCIM है, अगर आप कैमरा से क्लिक करते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट है, जो फोटो या डॉक्यूमेंट को कैमरा से क्लिक करते हैं वो आपको यहाँ पे DCIM में आएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट करके रखा हुआ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से अपलोड वाले पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए आपको अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर दो फाइल ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको फाइल को ऐड कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको कोई भी फाइल को, जो भी आपको फाइल यहाँ पे ऐड करना है उसको ऐड कर सकते हैं, या डिलीट करना है, यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, इस तरीके से यहाँ पर डिलीट भी इसको कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए ये फाइल डिलीट हो चुका है, तो यहाँ से आप लोड भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे बहुत ही आसानी से आप इसको इसमें रख सकते हैं। सो यहाँ इसी डॉक्यूमेंट में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस RC भी रख सकते हैं, और आपको पुलिस अगर पकड़ेगा तो आप यहाँ डीजी लॉकर में से पुलिस को दिखा देंगे तो आपको वहाँ पर चालान नहीं कटेगा, क्योंकि डीजी लॉकर में सरकार की तरफ से वैलिड है और आप इसमें रख सकते हैं। और ये यहाँ पर रखिएगा इशू डॉक्यूमेंट में, तो ये ओरिजिनल के बराबर होता है। अगर आपको कोई पुलिस पकड़ता है तो आप यहां से डीजी लॉकर में से उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और RC दिखाएंगे तो आपका वहां पर ओके कर देगा, जाने देगा और आपका चालान भी नहीं कटेगा। डीजी लॉकर में रखिएगा तो ये ओरिजिनल के बराबर होता है, और इशू डॉक्यूमेंट में वही आपको यहाँ पर रहेगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। और यहाँ पर जैसे पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो गया, पैन कार्ड आप रख सकते हैं इसमें। आपके आधार कार्ड से अगर ड्राइविंग लाइसेंस या RC लिंक है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, या जो भी यहाँ पे लिंक किए रहिएगा वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर देता है। सो इस तरीके से गैज यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना कोई डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जो भी आधार से लिंक रहेगा वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है QR कोड का, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। अगर किसी का भी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कीजिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि उसका डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे आपको स्कैनर से आपको पता चल जाता है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप डीजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और इसमें अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप लॉग आउट हो जाएंगे, जैसे यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको लॉग इन करने के लिए जो आप पासवर्ड 6 डिजिट का सेट किए रहिएगा वो पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन होना होगा, और यूजर नेम या मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल के आप लॉगिन हो सकते हैं। तो कैसे आप लॉगिन होइएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ से आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ लॉग आउट करेंगे, तो यहाँ से आप लॉग आउट हो जाइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप यहाँ से लॉग आउट हो चुके। गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है साइन इन का, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या जो पिन सेट किए हैं वो पिन डाल के यहाँ से साइन इन हो लेंगे, या यहाँ पर देखिए यूजर नेम है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर नेम जो भी आप 6 डिजिट का पिन सेट किए हैं वो पिन डालेंगे और यहाँ पर आप साइन इन हो लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालूंगा, यहाँ से मोबाइल नंबर डालूंगा इस तरीके से। मोबाइल नंबर डालने के बाद पिन डालेंगे, आपके जो मोबाइल है मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आपको 6 डिजिट का पिन आएगा, वो आपको डाल के इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद यहाँ पर देखिए मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप साइन इन हो जाएंगे। यहाँ देखिए पहले आपके मोबाइल पर जो कोड आएगा, यहाँ देखिए कोड आ चुका है, तो इस तरीके से आपको कोड डाल देना है आपके मोबाइल पर आएगा तो, और ये यहाँ पे 10 मिनट का वैलिड रहता है, तो इस तरीके से आपको 10 मिनट के अंदर अंदर में आपको यहाँ पिन डाल देना है। यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक करके इसको सबमिट कर। सो यहाँ पर देखिए आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। सो इस तरीके से आप जो भी पिन सेट किए रहिएगा उसी से लॉगिन होइएगा, तो आप पिन जो भी सेट कीजिएगा उसको आपको ध्यान में रखना कि हम क्या पिन सेट किए, क्योंकि यहाँ पे आपका पासवर्ड का ऑप्शन आता नहीं है, सिर्फ पिन का ऑप्शन आता है। तो इसीलिए आपको आधार नंबर, मोबाइल या जो भी पिन सेट करेंगे वो डाल के आपको यहां से लॉगिन होना पड़ेगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। डिजी लॉकर में रखा हुआ डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल तभी माना जाएगा जब वो इसकू में शो हो। जैसे ट्रैफिक पुलिस कहीं आपको पकड़ लेती है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या RC नहीं होती है तो आपके जो डिजी लॉकर में इशू में जो रखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस और RC की कॉपी, वो उसको दिखा सकते हैं वो पूरी तरह वैलिड है। लेकिन जब स्कैन करके आप डिजी लॉकर में रखते हैं तो वो वेरिफिकेशन के लिए वैलिड नहीं होगा। डिजी लॉकर में जो आप डॉक्यूमेंट रखते हैं वो आपके लिए होता है कि आप कहीं भी कभी भी उसको यूज कर सकते हैं।
सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।